देखिए स्टूडेंट, बहुत लंबा टाइम हो चुका है मैं आप लोगों को 1D मोशन पढ़ा रहा हूँ, और इतना टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर में सिर्फ इसीलिए लगाया है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस प्रॉब्लम को दूर करने का एकमात्र तरीका है बच्चों, और वो है प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ ना स्टूडेंट, उनकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस बनाएंगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा, उतना अच्छे तरीके से आप प्रॉब्लम को सीख पाएंगे। तो आप ये समझिए कि इस 1D मोशन के चैप्टर में मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है जो मैंने आप लोगों को ना बताया हो। बच्चों थोड़ा सा टाइम हम लोगों को इस चैप्टर में ज़रूर लगा है, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में मेरे अकॉर्डिंग अगर सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, सारे ग्राफ आप बहुत ध्यान से पढ़ लें, जितने भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सवाल हमने आपको बताए हैं अगर वो आप अच्छे तरीके से कर लें, तो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल पर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बच्चों। क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कोशिश ये की है कि कॉन्सेप्ट बताया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये टैक्टिक्स आप लोगों को बताई जाए, कहाँ मोशन की कौन सी इक्वेशन लगानी है, कहाँ कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है, ये सारी बातें हमने आपको बताई है। और आप लोगों के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप लोगों के फंडामेंटल क्लियर हों। फंडामेंटल क्लियर करने का एकमात्र तरीका है, और वो है कि कॉन्सेप्ट की आपको समझ होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आइए अब हम इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप माने इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फ्रॉम सम हाइट। आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स वी नॉट। इफ इट फर्दर फॉल थ्रू अ डिस्टेंस y, फाइंड द एप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट वाई और एच। बच्चों बहुत अच्छा सवाल जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं वो है। ऐसा क्वेश्चन आसान है प्रॉब्लम, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ के हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। थोड़ा ज़्यादा स्पेस हम लोगों को चाहिए होगा। आप देखिए भाई, ये हो गया हमारे पास में टावर। ठीक है, ये टावर का हो गया है टॉप। हमने एक बॉल को यहाँ से रिलीज किया, यू इक्वल टू है ज़ीरो, हमने रेस्ट से बॉल को छोड़ा है। समझ आ रही है बच्चों बात? अच्छा, कुछ देर के बाद में ये बॉल यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ इसकी स्पीड है वी नॉट। जैसा प्रॉब्लम की लैंग्वेज के अंदर बताया गया है बच्चों, मैं बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने बॉल को यहाँ से छोड़ा है, हमने बॉल को यहाँ से छोड़ा है, यहाँ बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, हमने बॉल को रेस्ट से छोड़ा है, कुछ देर के बाद में बॉल यहाँ पहुँच गई है। जब बॉल यहाँ पहुँची है ना बच्चों, तो इतना चलने में बॉल ने एच हाइट को ट्रैवल किया है। हमने यहाँ से बॉल को छोड़ा, जैसे ही बॉल एच हाइट नीचे पहुंचती है, बॉल की वेलोसिटी हो जाती है वी नॉट। अगर यहाँ से बॉल थोड़ा सा और नीचे पहुंचेगी, कितना नीचे पहुंचेगी, वाई नीचे पहुंचेगी, तो यहाँ बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी वी। प्रॉब्लम को ना समझिएगा बच्चों, हमने बॉल को छोड़ा, बॉल एच हाइट नीचे पहुंची, यहाँ बॉल की जो वेलोसिटी है वो है वी नॉट। अगर बॉल थोड़ा सा और यहाँ से नीचे जाएगी, वाई हाइट नीचे जाएगी, बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी वी। हमें बताना क्या है स्टूडेंट, हमें बताना है कि ये जो वेलोसिटी है v और ये जो वेलोसिटी है v नॉट, इन दोनों का चेंज कितना है। चेंज का मतलब क्या होगा, अगर आपने बॉल को यहाँ से छोड़ा है, जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी वैसे वैसे बॉल की स्पीड बढ़ती रहेगी, ये वाली स्पीड ज़्यादा होगी और ये वाली स्पीड कम होगी। समझ आ रही है बच्चों बात? हमें बताना है कि चेंज कितना होगा, यानी स्टूडेंट हम लोगों को बताना है कि डेल्टा वी कितना होगा। डेल्टा वी होगा वी माइनस के वी नॉट। समझ आ रही बात? अब मैं आपको वी निकालने का एक सुपर तरीका बताता हूं बच्चों। देखो हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ना बहुत लगा ली हैं। इक्वेशंस लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ ओरिजिन मानना है, किसे पॉजिटिव लेना है, किसे नेगेटिव लेना है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब तो समय आ गया है कि जल्दी से एकदम से प्रॉब्लम को कैसे लगाना है, इसके छोटे छोटे तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए।
जैसे मुझे v निकालना है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो v है, बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ा है, अगर मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन इन दो पॉइंट के बीच में अप्लाई करूँ तो ये जो v निकल कर आएगा ना बच्चों, ये निकल कर आएगा 2 into ग्रेविटी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है h plus y। आगे से आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा बच्चों, अगर मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्लाई करूँ तो v की वैल्यू मेरे पास में निकल कर आएगी अंडर रूट 2g h plus y, जैसे कि माइनस, यदि मैं v नॉट की वैल्यू निकालूँ बच्चों, v नॉट अगर मैं निकालूँ तो v नॉट कितना निकल कर आने वाला है ये आपको देखना है। अगर मैं v नॉट को कैलकुलेट करता हूँ तो v नॉट कितना निकल कर आएगा, ज़रा देखिए यहाँ v नॉट है, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूँ तो v नॉट के ऊपर की जो हाइट है वो h है, तो v नॉट को मैं लिखूँगा अंडर रूट 2gh। बताइए समझ आया या नहीं आया, हम लोगों ने इसे लिखा अंडर रूट 2gh, v नॉट है अंडर रूट 2gh और v है अंडर रूट 2gh plus y। अब हम एक काम करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से, हमने अंडर रूट 2gh कॉमन ले लिया है, हमने अंडर रूट 2gh दोनों में से कॉमन लिया, जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में बचेगा 1 plus y upon h की होल पावर 1/2 और यहाँ बचेगा -1। बच्चों ये बात समझने वाली है, कैसे, अगर मैंने यहाँ से अंडर रूट 2gh कॉमन लिया तो यहाँ से h कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ h है नहीं तो y के अपॉन में पहुँच जाएगा h, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 से है, यहाँ पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो ये 1 बचेगा। ये अंडर रूट 2gh किसकी वैल्यू थी, ये अंडर रूट 2gh v नॉट की वैल्यू थी, सो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू v नॉट, इस अंडर रूट 2gh को हम लोगों ने लिख दिया है v नॉट। याद करिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था बाइनोमियल एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन का रूल ये कहता है कि 1 प्लस y अपॉन h की जो ये 1/2 है ना वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से उठकर यहाँ चली जाएगी, जब ये वैल्यू यहाँ से उठकर यहाँ चली जाएगी तो ये बनेगा 1 प्लस 1/2 को सामने लेकर जाएंगे तो ये बनेगा y अपॉन 2h और ये बनेगा -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने हर एक बच्चे को बता रखा है, सिर्फ ज़रूरत है उस कॉन्सेप्ट को समझकर यहाँ अप्लाई करने की, अगर किसी ब्रैकेट में कुछ ऐसे बनता है 1 प्लस दिस होल पावर 1/2 तो ये पावर यहाँ से इसके सामने आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल आउट, सो डेल्टा v इज इक्वल टू v नॉट y अपॉन 2h। लो भैया, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होने वाला है ना स्टूडेंट, वो इतना चेंज होने वाला है वेलोसिटी में, ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होने वाला है बच्चों, इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें, पढ़ने के बाद में उसकी एक इमेज अपने माइंड में तैयार करें कि भाई कौन सा काम कैसे हो रहा है, उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया, उसने कहा कि h हाइट नीचे जो वेलोसिटी है वो तो है v नॉट, और v नॉट से y नीचे जो वेलोसिटी है वो है v, इन दोनों का चेंज मुझे बताना है कितना होगा, चेंज का मतलब है मुझे बताना है कि v माइनस के v नॉट कितना होगा, सो डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस के v नॉट, v को हम लोगों ने लिखा अंडर रूट 2gh प्लस y, इसे हम लोगों ने लिखा अंडर रूट 2gh, कॉमन लिया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, दिस इज द फाइनल।